हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एडुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये हम दोनों ने टॉपिक पढ़ लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं। ये अगला सीरीज है, क्वेश्चन का ही न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराएंगे और आपको फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्वेश्चन करा करके आगे बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। साथ ही साथ मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है जो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बच्चे ने भेजा है। आप सभी लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम वैसे क्वेश्चन को चुन कर कर करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का टॉपिक तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर ये क्वेश्चन मैं आपको समझा जरूर दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि थ्री, ठीक है आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट्स आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर। थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, क्या होगा फिगर मैं बना देता हूं, ये वो फिगर है। ठीक है, सिग्मा माइनस टू सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है, जेड बराबर थ्री ए, जेड बराबर ए और जेड बराबर माइनस ए, ये फिगर आपको क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका जेड एक्सिस हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट ये पी पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टू सिग्मा अपॉन एब्सिलॉन नॉट के कैप, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका माइनस टू सिग्मा अपॉन एब्सिलॉन नॉट के कैप, तीसरा ऑप्शन है फोर सिग्मा अपॉन एब्सिलॉन नॉट के कैप और जो चौथा ऑप्शन है वो है माइनस फोर सिग्मा एब्सिलॉन नॉट के कैप। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है बाबू। ठीक है, फिगर भी यहां पे आपको मिला हुआ है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसी में मैं समझा रहा हूं। इसको सीट वन मान लेते हैं, इसको सीट टू मान लेते हैं और इसको सीट थ्री मान लेते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि सीट वन के पास पॉजिटिव चार्ज है, सीट टू के पास निगेटिव है और सीट थ्री के पास भी निगेटिव चार्ज है। ये तो आपको दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पी पॉइंट पे निकालना है। क्लियर है, तो हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगे या एक से ज्यादा फोर्स लगे तो जो रिजल्टेंट हम देंगे उसको देने का काम हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर इस सीट के कारण, इस सीट की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस सीट के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें बिकॉज ऑफ सीट वन, क्लियर है, तो आप देखेंगे कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे लगेगा वो ई वन लगेगा और उसका डायरेक्शन नीचे होगा। क्यों? क्योंकि सीट से कैसा होता है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मतलब किधर, जेड डैश की तरफ, जेड डैश मतलब क्या हो गया, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। क्लियर है, तो यहां पे ई वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो सिग्मा अपॉन टू एब्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप।
माइनस के क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन इज एक्टिंग अलोंग द जेड डैश एक्सिस. क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इसके द्वारा देखें, ई टू के द्वारा, तो ई टू का इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई टू. क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन भी इधर ही होगी. मैं थोड़ा सेपरेटली दिखा रहा हूं, डायरेक्शन भी ई टू इधर ही होगी. क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन इज टुवार्ड द सीट. क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो टू, क्लियर है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा देंगे और माइनस के कैप. क्लियर है? अब उसी तरह से अगर हम इसके द्वारा निकाले सीट थ्री के द्वारा, तो सीट थ्री के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री होगा और वो भी कहां होगा? टुवार्ड द सीट होगा. क्लियर है? एक बार देखिएगा, सीट वन के लिए अवे फ्रॉम होगा और टू और थ्री के लिए टुवार्ड द सीट होगा. क्लियर है? तो ये तीनों डायरेक्शन किधर है? ये तीनों डायरेक्शन जेड डैश एक्सिस की तरफ है. क्लियर है? तो यहां पे ई थ्री हो गया आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप. तो हमें ई वन मिल गया, ई टू मिल गया, ई थ्री मिल गया. क्लियर है? और ये तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको ई नेट निकालना है बाबू, तो वो ई वन प्लस, सॉरी, ई टू प्लस ई थ्री होगा. क्लियर है? ई नेट क्या होगा? ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री होगा. एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, यहां से तो आप काट ही लोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्लियर है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप. क्लियर है? आप जोड़िए इसको. क्लियर है? तो आप जब इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और, क्लियर है, समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यहां से ये कट गया. क्लियर है? तो आपको मिला माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप. और अगर आप देख पा रहे हो तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन जो है ये हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है? ऐसा कोई आंसर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आप देखेंगे, कंपेयर करो, तो बिल्कुल सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो इस पे सही बैठता है. क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर. इसको आप लोग नोट कर लें. एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तो हम इस क्वेश्चन को कराएंगे, पर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, आप उसको जरूर व्हाट्सएप करें. हमारी कोशिश होगी कि जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो उसी समय आपको समझा दिया जाए. पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझे लगता हो कि बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर करके एक सेपरेट वीडियो ही ला दूंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा. आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और आपको मजा आने वाला है. सो आप हिचकिए नहीं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा. आपको हिचकना नहीं है. आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन भेजना है. नहीं बनता है, व्हाट्सएप करिए. हम कोशिश करेंगे कि वो सभी वीडियो को कोलैब कर करके, वही सारे क्वेश्चन को कोलैब कर करके हम वीडियो आप तक पहुंचाएं. क्लियर है? बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए. और जो रेजोनेंस के रैंक बूस्टर का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसको भी देखते रहना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाला है. अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पूरी मूवीज बाकी है. क्लियर है? चलिए, आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि इसको लिख लिया होगा. तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं. मैं क्वेश्चन सारा समझाऊंगा, आपको सॉल्व करना है. अगर डाउट हो, तुम्हारा खुद का चैनल है ये, आप उसको कमेंट में लिख दीजिए कि सर डाउट है, मैं समझाने की गारंटी लेता हूं. क्लियर है? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है. ठीक है? सो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन. देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है कि दो पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस सिक्स क्यू और दूसरा है माइनस एट क्यू, आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस बी एंड सी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर है? तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं.
और हम पहले क्या करेंगे, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण कर देंगे। हम क्या करते हैं, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो ये कभी कभी पेन भी धोखा दे देता है। चलिए, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो बाबू बी पे तो आप देख रहे हो कि प्लस सिक्स क्यू चार्ज मौजूद है और सी पे माइनस एट क्यू चार्ज मौजूद है, और इसकी जो साइड दी गई है, साइड लेंथ, वो ए दिया हुआ है। तो ये सारा लेंथ क्या होगा, ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टाइसेस ए ड्यू टू दिस टू चार्ज। क्लियर? तो ये तो आप जान रहे हो कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल 60 होता है। अब ये सब भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला हम मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा। क्लियर है? तो ये बी इस ए पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा ना, तो ये रिपल्सिव लगाया और इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये फोर्स का हमने नाम दे दिया E1। क्या नाम दिया? E1। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो E1 कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो E1 क्या है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी। ठीक है, ड्यू टू बी मतलब ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप चाहो तो आप यहां पे इसको लिखा दो कि दिस इज अलोंग बी ए प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो E1 बराबर क्या होगा, के 6Q अपॉन ए स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। क्लियर है? अब आ जाइए, ये वाला इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, प्लस और यहां माइनस, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन इधर होगा, ये E2 हो गया और हम जानते हैं कि ये वाला एंगल 120 डिग्री का होता है। क्लियर है? तो हम लिखेंगे E2 जो होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी। ठीक है, तो E2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका के चार्ज देख लो 8Q अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और ऊपर में 8Q। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? तो अगर हमें ईनेट निकालना है तो वेक्टर कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि ये होगा आपका ईनेट। क्लियर है? सो ईनेट क्या होगा, ईनेट हो जाएगा आपका अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos 120 दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? सो आप यहां पे लिखोगे ईनेट बराबर अंडर रूट E1 की वैल्यू 6Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 8Q अपॉन 6π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और cos 120। क्लियर है? कॉस 120 की वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, बट मैं आपको समझा देता हूं। कॉस 120 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस क्या 30 डिग्री। क्लियर है? और अगर आप देखो तो 120 जो है ये लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में बाबू, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज -sin 30। क्लियर है? -sin 30। तो ये कितना हो गया, -1/2। क्लियर है? ये वैल्यू आप जानते हो, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि -1/2 होता है। क्लियर है?
तो अब हम चाहें तो हम ईनेट को लिख सकते हैं ईनेट बराबर, क्लियर है? तो ईनेट बराबर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 6q/4πε0। या एक काम यूं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो कॉमन पार्ट है उसको अलग से ही कर दिया जाए। तो आप देखोगे कि यहां पे क्यू स्क्वायर, हम लिख के समझाते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0a² या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि क्यू और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, क्लियर है? देखो ध्यान समझो, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसको करोगे तो भी आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इसका बचा क्या, 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, 64 होता है, प्लस, देखिए यहां पे प्लस 2 × 6, ठीक है, × 8 × −1/2, तो ये कैंसिल बाबू, क्लियर है? और आपको क्या मिला, आपको मिला ईनेट बराबर अंडर रूट, क्लियर है? या अंडर रूट से इसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्यू अपॉन 4πε0a² और अंडर रूट 36 + 64 − 48, क्लियर है? देखोगे ये कट गया ना, ये माइनस आ गया, क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ईनेट बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0a², क्लियर है? और देखो इसको ऐड करोगे तो ये आपको 100 देगा, और 100 में से 48 को आप घटा दो, क्लियर है, तो आपको ये कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 52, क्लियर है? सो यहां पे ईनेट जो मिला वो क्या हो गया, वो हो गया क्यू अपॉन 4πε0a² अंडर रूट 15, एंड दिस इज योर आंसर, क्लियर है? बट ये आंसर बाबू आपका मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हुआ है, इस सब चीज पे ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड खाली दिए हो तो फॉर डायरेक्शन, क्लियर है? हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो लेट सपोज दिस एंगल बी थीटा, डायरेक्शन, क्लियर है? अल्फा मान लिए डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप जानते हो कि टैन अल्फा बराबर E1 sin 120 upon E1 + E2 cos 120 होता है, क्लियर है? ये आपने पढ़ा हुआ है जब मैंने आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो आप लिखते थे टैन अल्फा बराबर P sin θ + P + Q cos θ, क्लियर है? तो बिल्कुल यही है, उम्मीद करते हैं कि आप सारा वैल्यू तो जान ही रहे हो, अब आप यहां पे डालोगे और इसका आप आंसर बताओगे, और आंसर बता करके आप लोग कमेंट कर देंगे, अब कुछ मुश्किल इसमें है नहीं, क्लियर है? सो इसको आप लोगों को नोट करना है, कमेंट देखो यार, बहुत लोग, तुम लोगों में से क्या होता है कि वीडियो देखते हो और वीडियो को किस्तों में देखते हो, तो पहले इससे बच जाइए, जब भी देखना है एक बार पूरा देखिए, नहीं समझ में आता एक बार और देखिए, पर किस्तों में देखना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ कमेंट आप लोग नहीं करते हो, अगर तुम बनाए हो तो कमेंट करो, ठीक है? ऐसे लगता है कि आप लोगों ने शायद बनाया नहीं है, तो बनाते हैं तो कमेंट कीजिए, उससे ये दिखता है कि आप लोग इफर्ट लगा रहे हैं, और अब वहां पे कोई तकलीफ होगी ना तो उस पे काम करने में हमें बहुत मजा आने वाला है, क्लियर है? चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपके पास समय है थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लो, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है? देखिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो चार्ज है बाबू, ठीक है, टू चार्ज ऑफ 1 μC, टू चार्ज ऑफ 1 μC बट अपोजिट इन साइन आर 1 cm अपार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है कि दो चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, डायपोल बन गया, क्लियर है? और ये 1 m क्या है, अपार्ट है, ठीक है? तो सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पे एक चार्ज समझा देते हैं, यहां पे दूसरा समझा देते हैं, ये है 1 μC, ये है −1 μC, क्लियर है? बट अपोजिट इन साइन हो गया यहां पे,
वन सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वन सेंटीमीटर। क्लियर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट यहां हुआ और यहां से 10 सेंटीमीटर आगे एक्सियल लाइन ये है, इसके ऊपर आपको जो है निकालना है। तो ये मान लो इसको P पॉइंट दे देते हैं नाम, इसको A और इसको B, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। और अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान हो तो ई एक्सियल क्या था, तो वो था 2πr अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला था ई एक्सियल इन केस ऑफ ई एक्सियल, ठीक है, कब, डायपोल के केस में, ठीक है। तो अब देखो, हमने एक बात और भी आपको बताई थी कि ये ई एक्सियल 2π अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब भी होता है जब r की वैल्यू, ठीक है, जब किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, r क्या है यहां पे आप समझ रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस है सेंटर से P पॉइंट का, जब R की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डायपोल के केस में। तो यहां इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि R बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, R है जहां 10, A है कितना, 1/2। क्लियर है, तो बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको ना इस्तेमाल कर करके आई विल से कि इसी को इस्तेमाल आपने कर देना है। बहुत बड़ा डिस्टेंस रहता, जैसे ये वाला डिस्टेंस 100 रहता और ये 1 रहता, तो आप इग्नोर कर करके भी बना देते और आंसर सही आ जाता, ठीक है। ऐसे भी बनाओगे तो आंसर में माइन्यूट डिफरेंस आएगा, तो उतना तो चलता है मेरे भाई। क्लियर है, तो आप देखोगे अब यहां पे ई एक्सियल आपने लिखा और ई एक्सियल क्या हो गया, तो 2π की वैल्यू आप देख लो क्या होता है, तो आपको ध्यान होगा ये होता है क्यू इंटू 2a, क्लियर है, इंटू आर अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सारा वैल्यू को या तो चेंज करेंगे, ध्यान रखना है, समझ रहे हो कि नहीं, आपको जो वैल्यू है आई विल राइट ओवर हेयर कि यूज द वैल्यू इन SI सिस्टम। क्लियर है, तो SI सिस्टम में कर देते हैं कन्वर्ट। क्लियर है, तो 2a जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो a बराबर हो गया 0.5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10^-2 मीटर। क्लियर है, एक डाटा तो आपको यहां से समझ में आ रहा है। क्लियर है, q की वैल्यू दी गई है आपका 1 माइक्रो कूलम, तो q बराबर 1 इंटू 10^-6 कूलम, ये आपकी दूसरी वैल्यू बाबू आपको मिल गई। और R बराबर यहां पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 10 इंटू 10^-2 मीटर, ये आपकी तीसरी वैल्यू आ गई। क्लियर है, सो आपको वैल्यू यहां पे सारा मिल गया। नाउ पुट इट, E एक्सियल बराबर 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1 इंटू 10^-6 इंटू, क्लियर है, 2a की वैल्यू 1 इंटू 10^-2 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10^-2 अपॉन में आर स्क्वायर 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू आप देख लो 0.5 इंटू 10^-2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब आप सारा वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तो आप देखो ये कितना हो गया, ये और ये सॉल्व होकर के 10^-1 बचा, और इससे सॉल्व होकर करके ये 10^-1 बचा, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर का तो पार्ट काट दिया ना पूरा। क्लियर है, तो यहां पे ई एक्सियल जो होगा वो हो जाएगा, देखो 9 × 2 = 18। क्लियर है, तो 18 भागा, नीचे देख लीजिए, तो 100, इसको सॉल्व कर रहे हैं 100
गुने 10^-4, क्लियर है, 0.25 इंटू 10^-4 का होल स्क्वायर, क्लियर है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 18/10^-8, कैसे, इस दोनों में ये कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया, क्लियर है, और ब्रैकेट में हो गया 100-0.25 का स्क्वायर, क्लियर है, इतना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो न्यूटन क्या हो जाएगा पर कूलम, क्लियर है, ये यूनिट हो गया न्यूटन कूलम, ठीक है ना, पर कूलम ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब आपको ये सारा वैल्यू तो नोटेड है, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाने वाला है, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, जब तक आप इसको नोट करें, मैं अगला क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज +20 μC एंड -20 μC आर हेल्ड 1 cm अपार्ट, उसको 1 cm की दूरी पे रखा गया है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 cm और डायपोल की लेंथ कितनी दी गई है 1 cm, तो 50 के सामने 1 क्या है, इग्नोरेंस, आप इग्नोर कर सकते हो, नेग्लिजेबल है। तो यहां पे अब आपको करना क्या है, ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, देखिए बहुत ज्यादा आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, यहां पे बाबू और यहां पे मान लो कि दिया हुआ, यहां पे मान लो +20 μC है और यहां पे -20 μC है, सेंटर ये हुआ, यहां से ये लाइन हो गई इक्वेटोरियल लाइन, यहां पे 50 cm पे आपको निकालना है। तो आपको याद होगा ई इक्वेटोरियल जो था उसकी वैल्यू थी क्या, तो पी आर, क्लियर है, अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद होगा आपको ये, क्लियर है ना आपको याद, ठीक है। तो यहां पे ई इक्वेटोरियल हमने कहा है कि ये होता है बाबू पी अपॉन 4πε0, क्लियर है, यहां आर लिख देता हूं मैं, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब, जब आर की वैल्यू ए के उपेक्षा में बहुत बड़ी होती है, ए को इग्नोर कर देते हैं, ए इज इग्नोर्ड, ठीक है, ए इज इग्नोर्ड, आगे बात समझ में। तो यहां पे ई इक्विटोरियल जो हुआ ये हो गया पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब, मतलब 9 × 10⁻⁹ पी चाहेंगे तो आप किसे लिखोगे इसको, पी को, या इसको मैं ब्रेक करके ही पहले समझा भी दूं, कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो, क्यू 2a होता है बाबू, तो 4πε0 आर क्यूब दिया हुआ है 20 × 10⁻⁶ इंटू 2a, देखो ध्यान से डिस्टेंस दिया हुआ है तो मतलब ये 2a ही है, ठीक है, मतलब ये 1 cm है, मतलब 1 × 10⁻² है, क्लियर है, तो 1 × 10⁻² अपॉन 4πε0 इंटू 50 cm जो है, क्लियर है, तो जो 50 cm है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 cm इज 1/2 m, है ना, तो हम इसको चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब, क्लियर है। तो ई इक्वेटोरियल जो हुआ, क्लियर है, ये ई इक्वेटोरियल जो हुआ वो हो गया आपका 20 × 10⁻⁶ इंटू, या पहले इसको भी लिख देता हूं, 9 × 10⁹ इंटू 20 × 1 × 10⁻⁸, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है, अपॉन में 1/8, 1/8 भी कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इससे ये कट गया, 10⁻⁶ बचा, क्लियर है, ऊपर में आपको क्या मिला, ये मल्टीप्लाई होकर के 180 इंटू 8 इंटू 10 न्यूटन पर कूलम, क्लियर है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो
ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। सो दिस इज दी क्वेश्चन 1, 2, 3, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल मोमेंट। दिया हुआ है सॉल्यूशन में, डाटा को मैं लिख देता हूं। डायपोल ऑफ मोमेंट दिया हुआ है, मतलब पी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, मतलब आर बराबर 1 क्या दिया हुआ है, मीटर, ठीक है ना। व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब ये डायपोल हुआ तो सेंटर से बाबू ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा, तो थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो कॉन्सेप्ट हो गया वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, क्लियर है। तो आपको याद हो कि उस केस में फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पी अपॉन 4π ε₀r³√3cos²θ+1, क्लियर है, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम लिखेंगे E बराबर 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁸ अपॉन 1³ और √3cos²60° + 1, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो E बराबर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 18, ये हो गया 10⁻⁹ अपॉन 1 और √3cos60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 1, क्लियर है। सो यहां पे E की वैल्यू हो गई 18 × 10⁻⁹ √3/4 + 1, क्लियर है। तो 3/4 + 1 क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे 18 × 10⁻⁹ और √7/4, क्लियर है। तो 18/2 × 10⁻⁹ √7 न्यूटन पर कूलम, विच इज 90√7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट डिस्टेंस आर ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर डैश ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये आप नोट कर चुके होंगे, रोक के वीडियो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखो बाबू, डायपोल हम तुमको दिखाते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां से लेकर करके यहां तक डायपोल रहा, ठीक है, कुछ भी लेंथ रहा, शॉर्ट डायपोल है, लेंथ आप ले लो 2a ले लो, क्लियर है। मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट रहा r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं E axial, ठीक है, और इसी मिड पॉइंट से r डैश इक्वेटोरियल डिस्टेंस, क्लियर है, ये r डैश डिस्टेंस है, ठीक है, ये r डैश इक्वेटोरियल डिस्टेंस हुआ। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E इक्वेटोरियल, दोनों बराबर है, तो आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो यहां पे देखिए कि E एक्सियल जो होता है, फॉर्मूला आप सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है 2π अपॉन, क्योंकि शॉर्ट डायपोल है तो इग्नोर करके डायरेक्ट लिख रहे हैं 2π 4π ε₀r³। वन बोल दो इक्वेशन। E इक्वेटोरियल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो होता है P/4π ε₀r³, इक्वेशन नंबर दूसरा, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे कि P अपॉन 4π ε₀
आर क्यूब इज इक्वल टू टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ध्यान से देखना क्योंकि यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस थे। आर डैश इक्वेटोरियल डिस्टेंस बाबू आर डैश है, तो यहां पे ये सब चीज पे थोड़ा सा बारीक नजर रखते हुए काम करेंगे। क्लियर है आर क्यूब। अब देखो कि p से p कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या यहां पे 1 बाई आर डैश। क्लियर है इज इक्वल टू ठीक है 2 अपॉन आर क्यूब। ठीक अब हमें रेशियो निकालना है बाबू मेरे, ठीक है तो हम लिखेंगे आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इक्वल्स टू क्या 2। क्लियर है तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि आर अपॉन आर डैश का होल क्यूब इक्वल्स टू 2। क्लियर है दोनों साइड क्या करेंगे अंडर रूट क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्लियर है तो क्या मिलेगा हमको आर अपॉन आर डैश का होल पावर 3 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3। क्लियर है तो आपको क्या मिला आर अपॉन आर डैश इक्वल टू 2 का पावर 1/3। क्लियर है आंसर हो गया। क्लियर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर अपॉन आर डैश इक्वल टू क्यूब रूट 2 अपॉन 1। सो आर आर इज टू आर डैश ये हो गया। ठीक ये आपका हो गया क्या तो ये हो गया आपका रेशियो। ठीक है इसको नोट कर लेना है बाबू। नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ इस बोर्ड का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम पहले इसको समझा देते हैं और आपको इसको बना के हमको बता देना है। ठीक है अब बताएंगे कैसे तो वही एक तरीका है कमेंट कर देना है यस नो में। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज। ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज, दोनों चार्ज की वैल्यू प्लस माइनस में दी गई है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन समझें क्लियर है तो यहां पे Q की वैल्यू दी गई है प्लस माइनस 1.0 क्लियर है माइक्रो कूलम। डायपोल का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 2a दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो E की वैल्यू दी गई है 10^5 न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज इट एक्सपीरियंस Does the field exert on the dipole? कहने का मतलब कि what the maximum torque will the dipole experience? Clear है? तो आप जानते हैं कि हमने torque के लिए पढ़ा हुआ है PE sin theta. Clear है? क्या पढ़ा हुआ है PE sin theta. Clear है? और अगर जब हम maximum torque की बात करते हैं तो PE sin 90 degree हो जाता है, मतलब torque बराबर क्या हो जाता है PE. Clear है? बाबू पी निकालना है तो देखो ऊपर में लिख रहा हूं मैं टॉर्क बराबर पी की वैल्यू क्यू टू ए हो जाएगा और ई दिया हुआ है, सारा डाटा आपको दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है ठीक है टू ए दिया हुआ है ई दिया हुआ है, ऐसा में रख करके पुट कीजिए आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल खत्म हुआ पर बहुत जल्दी हम आप सब लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एक डीपीपी देने वाले हैं। अब बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे, अब जाकर के आपको डीपीपी मिलेगा जिसके अंदर 35 से 40 क्वेश्चन हम लिख के आपको देंगे। आपको करना है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा और अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग किस दिन करेंगे, सॉल्यूशन लाइव क्लास के माध्यम से स्ट्रीम किया जाएगा। मतलब आपको वो डाउट बताना है, सीट अपने पास रखनी है, लाइव क्लास में आपको जुड़ना है और आप लाइव क्लास पे जो जो क्वेश्चन लिखते जाओगे वो सारे क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करा दूंगा और करा कर करके इसको वहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि आगे हमारा टॉपिक जो है वो है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग काम करेंगे और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल भी उस तरह से आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए, बढ़िया से समझिए, क्योंकि जितना बढ़िया से आप समझेंगे उतना ही बढ़िया से आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक बार और हम रिक्वेस्ट कर दें कि कुछ तो लोग कहेंगे सीरीज भी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि ट्वेल्थ की तैयारी के साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए, उसको भी सीखिए समझिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए, हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वैसे आपके समस्याओं का जल्दी से निदान दिया जाए। यहाँ तक ये वीडियो आज खत्म होता है। धन्यवाद।